रानी कमलापति स्टेशन का लोकार्पण किया गया और उसके बाद पहला टिकट जारी हुआ। जी हाँ, टिकट पर प्रिंट हुआ रानी कमलापति स्टेशन। जी हाँ, आपको बता दें पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम से टिकट जारी होता था, क्योंकि आज इसका लोकार्पण हो गया है तो पहला टिकट प्रिंट हुआ रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। वर्ल्ड क्लास रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देश को समर्पित किया आज नरेंद्र मोदी ने। तो पहला टिकट हम देख रहे हैं रानी कमलापति के नाम से। कोड होते हैं रेलवे टिकट पे हमेशा, और जब भी ये जनरेट होते हैं, जैसे हबीबगंज के लिए आता था HBJ, अब रानी कमलापति स्टेशन के लिए भी आएगा RKP। तो इस तरह से कोड्स होते हैं और ये पहला टिकट हम देख पा रहे हैं रानी कमलापति स्टेशन का। आप हिंदी में देख सकते हैं रानी कमलापति साफ लिखा हुआ। और फोन लाइन पर हमारे साथ सूरज शर्मा जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी, उनसे हम बात करते हैं। सूरज शर्मा, आप बताइए आपके पास क्या कुछ जानकारी, क्योंकि अभी बहुत कहा जा रहा था अभी टाइम लग जाएगा इस प्रोसेस में, लेकिन ये तो बहुत जल्दी काम हुआ। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि प्रोसेस लग जाता है टाइम में, लेकिन जल्दी हो गई, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब हम बहुत जल्दी और एक सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी काम को रोका ना जाए और बहुत जल्दी वो काम संपन्न हो। शायद यही वजह है कि जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने जब प्रपोजल भेजा था रानी कमलापति स्टेशन के लिए, हाथों हाथ रेल मंत्रालय से, भारत सरकार से वो अप्रूवल आया, अगले दिन स्टेशन का नाम चेंज हुआ और हबीबगंज के जो नाम था उसको हटाकर रानी कमलापति उस पर नाम अंकित किया गया। इसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य क्लास यानी वर्ल्ड क्लास भव्यता वाला जो स्टेशन है, आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस स्टेशन को देश के नाम समर्पित किया है, जिसके बाद अब स्टेशन के बाद रेलवे टिकट पर भी रानी कमलापति का नाम आ गया है। तो अब हमें, आपको और देशवासियों को ये आदत डालनी होगी कि यदि हमें भोपाल या रानी कमलापति स्टेशन जाना है तो हम हबीबगंज की जगह रानी कमलापति सर्च करें और इसका शॉर्ट कोड जो है RKMP है। तो अब बस धीरे धीरे लोगों को आदत में लाना होगा और जब वो उनके आदत में आएगा तो कहीं ना कहीं वो रानी कमलापति के शौर्य के बारे में, उनकी वीरता के बारे में देश दुनिया के लोग जान पाएंगे। साहिदा जी, बिल्कुल सूरज, और साथ ही साथ रेलवे की तरफ से कुछ इस तरह का प्रबंध भी है कि अगर लोग अभी भी हबीबगंज तलाश करेंगे, हबीबगंज पे लिखेंगे, टाइप करेंगे, तो रानी कमलापति अपने आप ऑटोमेटिक वो ले लेगा। देखिए, बिल्कुल, ये कोड होते हैं कि जब भी किसी नाम का, स्टेशन का नाम चेंज किया जाता है या किसी स्थान का नाम चेंज किया जाता है, उसके सब्स्टिट्यूट में जो नाम, नया नाम होता है, जो रिसेंटली डाउन नाम रहता है, उसका नाम आता है। यदि आप हबीबगंज सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिक वो कमलापति शो करेगा, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि अभी कई बार होता है कि लोग स्टेशन का नाम चूंकि यूज टू है हबीबगंज के, ऐसे में कहीं ना कहीं उनको परेशानी ना हो या गफलत पैदा ना हो, ताकि वो समझ भी पाए कि यदि वो हबीबगंज डाल रहे हैं तो रानी कमलापति आ रहा है, इसका मतलब अभी स्टेशन का नाम रानी कमलापति हो चुका है। तो ये लोगों की सहूलियत के लिए रहता है, ऑटोमेटिक कोडिंग होती है। यदि अब कोई व्यक्ति स्टेशन से टिकट बुक करेगा या ऑनलाइन टिकट बुक करेगा और यदि वो हबीबगंज डालता है तो ऑटोमेटिक उसकी जगह रानी कमलापति आएगा, शॉर्ट कोड में RKMP आएगा, रानी कमलापति स्टेशन। तो बिल्कुल रेलवे की व्यवस्था है और अब जब भी लोग सफर करेंगे तो कहीं ना कहीं रानी कमलापति के बारे में सोचेंगे, या हो सकता है वो ट्रेन में टिकट बुक करने के बाद सोचेंगे कि रानी कमलापति के कौन थी और कैसे इसको जाना जाए। जी सूरज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर रेलवे की ये बहुत ही त्वरित कार्रवाई हम इसे कहेंगे और फौरन से जो है अब टिकट भी इसी नाम से छप रहे हैं। हालांकि ये बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, लेकिन इस बार ये बहुत जल्द हुआ पूरा।